गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैट फूड स्टोरी और अभी मैं हूँ ईशा फाउंडेशन। ये जो जगह है ये कोयम्बटूर से अराउंड 28 टू 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आपको कोयम्बटूर से ऑटो या कैब भी मिल सकती है या फिर गांधीपुरम बस स्टॉप से आप बस भी ले सकते हैं। बस का जो नंबर है, अभी मैं जिस बस से आई हूँ उसका नंबर था 14D और ये हर आधे घंटे में यहाँ से चलती है। और अभी मैं हूँ आदियोगी शिवा स्टैचू के पास में। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आदियोगी शिवा स्टैचू है। अभी मैं वहाँ जाऊँगी और फिर हम पास से देखते हैं स्टैचू। आदियोगी के अलावा यहाँ पर ये सब जगह है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। त्रिमूर्ति पैनल, ध्यानलिंग जो कि मेडिटेशन के लिए है, और लिंग भैरवी मंदिर, लेकिन इनमें से किसी भी जगह मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। आदियोगी स्टैचू पे दिन के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, तो आप ट्राई करें कि अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर विज़िट कर सकें। आदियोगी का जो टाइम है वो है मॉर्निंग 6 बजे से और रात को 8 बजे तक। रात को 7 से 7:30 के बीच में यहाँ पे एक लाइट शो होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, देखने लायक होता है। एंड हाँ, आप ईशा फाउंडेशन में स्टे भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले उनकी वेबसाइट पे जाके अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि रूम्स अवेलेबल हैं या नहीं है। बिकॉज जनरली कैसा रहता है, यहाँ पर रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एटलीस्ट 2 वीक पहले पूछना पड़ेगा कि रूम्स आर अवेलेबल और नॉट। आदियोगी स्टैचू जो है वो वेलियागिरी के फुटहिल्स पर बना हुआ है, तो चारों तरफ यहाँ आपको वेलियागिरी हिल्स देखने को मिलेगी। ये आदियोगी से जस्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक फूड कोर्ट है। बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो पहले नारियल पानी पी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अक्का, हाउ मच फॉर वन? 41। हाश, नारियल पानी पीने के बाद थोड़ी जान में जाना है बिकॉज बहुत धूप है यहाँ पे। अभी पहले हम जाएंगे कैंटीन मसाला डोसा खाने और फिर उसके बाद ध्यान लिंग और लिंग भैरवी। यहाँ पे एक डिपॉजिट काउंटर है जहाँ पे आप अपना लगेज, फ़ोन वगैरह सब कुछ रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप ध्यान लिंग और लिंग भैरवी जो है वो विज़िट कर सकते हैं, जो कि सामने है वहाँ पर। ईशा योगा सेंटर में एक कैफेटेरिया भी है और यहाँ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अब दिन के 2 बज रहे थे और कैफेटेरिया काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्किप करके जूस पिया जाए। कैफेटेरिया के बाहर ही आपको जूस एंड स्वीट शॉप दोनों ही मिल जाएगी। तो अब ये वाटरमेलन जूस पीकर मैं निकल जाती हूँ ध्यानलिंग और लिंग भैरवी दर्शन के लिए। और हाँ, ईशा योगा सेंटर में किसी भी जगह का कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। तो मैंने ध्यानलिंग भी विज़िट कर लिया, वहाँ पे मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शांति है वहाँ पे। मैं पहले भी आई थी, सेम मैंने वहाँ पे मेडिटेशन किया था और काफ़ी पीसफुल है, मतलब फुटस्टेप की भी आवाज़ आती है, इतना ज़्यादा पीसफुल है वो। और लिंग भैरवी मंदिर, लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब बंद था, लेकिन इस बार मैंने विज़िट कर लिया। एक्चुअली लिंग भैरवी मंदिर जो है वो 120 से 420 तक बंद रहता है, तो कभी भी अगर आप आ रहे हैं तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो फाइनली मैंने सब प्लेसेस विजिट कर ली है और डिपॉजिट काउंटर से अपना बैग ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ बस स्टॉप के साइड, जस्ट पीछे ही है बस स्टॉप। स्टार्टिंग का तो मुझे पता है, सुबह 5 बजे से यहाँ से बसेस चलती है। लास्ट टाइम मैं अभी आपको चेक करके बताऊँगी। यहाँ पर ये बसेस टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, अगर आप गांधीपुरम से ईशा आ रहे हैं तो सुबह 5:50 से बसेस स्टार्ट होती है, जो कि रात को 10:10 तक चलती है। और अगर आपको ईशा फाउंडेशन से वापस कोयम्बटूर गांधीपुरम जाना है तो बसें सुबह 5:20 से रात को 9 बजे तक स्टार्ट रहती है। कोशिश करें कि आप रिटर्न की बस अर्ली मॉर्निंग या फिर दोपहर 12 बजे से पहले की लें, क्योंकि शाम होते होते यहाँ पे बसेस में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आ गया है समय ईशा योगा सेंटर को अलविदा कहने का। तो ये था मेरी 100 डेज जर्नी का एक छोटा सा पार्ट, विजिट टू ईशा फाउंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।